हेलो एंड स्वागत है फिर से एक नई वीडियो जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले एक चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है द लव यू गिव मी, जो कि दो दिन पहले YouTube पे रिलीज करा गया था। और इस YouTube चैनल का नाम है ड्रामा सेंट्रल हिंदी। अगर हम ड्रामे के बारे में बात करें तो जो ये ड्रामा है ये कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड है, जिसको पूरी तरीके से देखने के लिए आपको 28 एपिसोड देखने पड़ेंगे। और इस पे अभी तक 5 एपिसोड अपलोड करी गई है और इसकी जो नई एपिसोड है आपको एवरी मंडे टू सैटरडे इवनिंग में 4 बजे देखने मिलेगी। अभी तक 5 एपिसोड आई है और उन 5 एपिसोड को देख कर मैंने खत्म कर दिया है और उसी के बेसिस पे बताने वाला हूँ कि ये ड्रामा कैसा है और आपको इसको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए और भाई ने ड्रामे की जो डबिंग है वो कैसी करी है। अगर हम ड्रामे के अंदर कहानी की बात करें तो इस ड्रामे के अंदर आपको कहानी देखने मिलता है सिंजी और मिनहुई की। ये दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन 5 साल पहले इन दोनों के साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके वजह से ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। 5 साल बीत जाते हैं, 5 साल बाद हम देखते हैं जो अपना सिंजी हुए कंपनी का CEO है और वहीं पर जो मिनहुई है एक डायरेक्टर है एक किसी कंपनी में। अब ये दोनों 5 साल बाद एक बिजनेस इवेंट में फिर से एक दूसरे से टकराते हैं। अब जब जो सिंजी है वो मिनहुई को देखता है तो 5 साल पहले हुई चीजों की वजह से उसके साथ वो रिवेंज लेना चाहता है, परंतु एक दिन उसको पता चलता है जो मिनहुई है उसका एक 4 साल का बेटा है। सो बेसिकली हमें ड्रामे के अंदर यही देखना है जो मिनहुई का बेटा है वो किसका बेटा, यानी कि वो सिंजी का है या फिर किसी और का लड़का है, और 5 साल पहले क्या ऐसी चीजें हुई थी उन दोनों के बीच में जिसके वजह से उन दोनों को सेपरेट होना पड़ा था, और इसके अलावा ये दोनों कभी एक हो पाते हैं दोबारा से या फिर नहीं हो पाते, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। तो देखो अगर हम लोग इस ड्रामे की डबिंग के बारे में बात करें ना तो ये कहना पड़ेगा कि भाई साहब ने जो डबिंग करी है ना वो MX से और जो अतरंगी वाले करते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छा करा है, जबकि भाई का एक यूट्यूब चैनल है और वहीं पे मतलब 70-75 हज़ार तक सब्सक्राइबर है, उसके बावजूद भाई ने इतनी अच्छी डबिंग कराई है। और MX ब्लड या फिर अतरंगी वाले की बात करें तो ये लोग बहुत बड़ा कंपनी है भाई, उसके बावजूद भी इनकी जो डबिंग क्वालिटी वो बहुत ही ज़्यादा चीप और घटिया क्वालिटी की होती है। और अगर हम ड्रामे की डबिंग से हट करके कहानी की बात करें तो जो ड्रामे की कहानी वो इतनी अच्छी है कि तुम्हें पहले एपिसोड से ही हुक कर लेती है। इन दोनों के पहले भी मैंने एक ड्रामा देखा था जिसका नाम है वंस वी गेट मैरिड, इन दोनों के साथ में ही वो ड्रामा है और वो ड्रामा भी काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त है, जिसके बाद से मुझे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगे थे और ये दूसरा ड्रामा है और ये ड्रामा भी काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त है। ड्रामा के अंदर जितने भी करेक्टर लिए गए उनकी जो डेवलपमेंट करी गई भाई साहब काबिल तारीफ है। और इसके अलावा जो सेकेंड लीड है उन दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है ना भाई साहब आप बहुत ही अच्छे से इंजॉय करोगे, उनकी भी डेवलपमेंट अच्छी करी गई है। ड्रामे के अंदर आपको एक बहुत ही बेहतरीन कहानी देखने मिलती है, एक अच्छी इमोशनल स्टोरी प्रेजेंट करती है ड्रामा, इसके अलावा आपको अच्छा खासा कॉमेडी भी प्रेजेंट करती है और तो और आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग और इमोशनल वाला लव ट्राइंगल देखने मिलती है। ड्रामे के 5 एपिसोड मैंने देखी है और इन 5 एपिसोड में मुझे ज्यादा समय मतलब कहीं पर भी थोड़ा सा भी बोर नहीं फील हुआ, लेकिन इस तरह के जो कहानियों वाले ड्रामा होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बोर फील कराता है। तो मैं भी हो सकते हैं आपको किसी न किसी एपिसोड में आगे चल के थोड़ा बहुत बोर फील हो, लेकिन अभी जो ड्रामा जिस तरह से चल रही है वो आप इंजॉय करोगे। और इसके अलावा जो भाई साहब ने एपिसोड अपलोड करिए यूट्यूब पे थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पे सीन भी कट करा है, तो ये चीजें आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट करेगा। आगे जिन लोगों को कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड ड्रामे पसंद है जिसमें ये सारी चीजें देखने मिलती हैं उन लोगों को ड्रामा काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो अगर आपने इस ड्रामे को देखा है तो आपको कैसा लग रहा है या फिर नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हो, और देख रहे तो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, और हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करो शेयर करो। कि अगर आपको और भी नए कोरियन और चाइनीज आने वाले ड्रामे के बारे में जानना है तो आप इस वाले वीडियो को देखो और मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पर।